हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपके लिए फिर से एक रोचक कहानी लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो प्यार दिखाया और जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, इतने अच्छे फीडबैक दिए, जिसके बदल मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो धन्यवाद। अच्छा, आज की स्टोरी हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपने सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस, अगर आपने सुना है तो सही सुना है। चलिए समझते हैं आज की कहानी के माध्यम से। आज की कहानी एक स्वीपर और भगवान श्री कृष्ण की है। होता यह है कि एक मंदिर में स्वीपर झाड़ू मार रहा होता है और मन ही मन भगवान को कोस रहा होता है कि किस प्रकार का जीवन दिया है, और साथ ही साथ ईशा भाव से भगवान को बोल रहा होता है कि हे भगवान, आपके तो बड़े मजे हैं, आप तो बहुत बढ़िया एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे, आपको तो 56 भोग खाने को मिलते हैं, आपको तो रेशमी वस्त्र पहनने को मिलते हैं, और हमारे जीवन में बहुत ही अन्याय किया आपने, ये बहुत ही गलत बात है। ये सुनते ही भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। भगवान स्वीपर को बोलते हैं कि क्या हुआ वत्स, इतना क्यों नाराज़ हो मुझसे। तो स्वीपर बोलता है, क्या भगवान, आपको सृष्टि चलाने नहीं आती थी तो आप इससे अच्छा मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, आप से अच्छी तो मैं काम कर लेता। तो भगवान बोलता है, ये बात है, चलो एक काम करते हैं, रोल स्वैप कर लेते हैं। तो बोलते हैं, हाँ हाँ कर लेते हैं। पर भगवान बोलते, मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? बोले, तुम्हें 24 घंटे यहाँ खड़े रहना है, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना। कुछ भी हो जाए तुम्हारे सामने से, तुम्हें अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना। स्वीपर बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। बड़ा खुश होता है और यहाँ पर रोल स्वैप हो जाता है। अब जैसे ही श्री कृष्ण स्वीपर के बन जाते हैं, उसका रूप धारण कर लेते हैं, तो छुट्टी लेके चौपाटी घूमने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान बना स्वीपर है, वो मूर्ति बना हुआ है और वो कुछ बोल नहीं सकता। तभी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, अपने बहुत ही लीन थिंग पर्सनैलिटी वाला था, वो अपने जेब में से इधर उधर देख रहा होता है और टटोल के एक पैसा 1 रुपये निकालता है और भगवान को अर्पण कर देता है। अब ये 1 रुपये जो उसने अर्पण किए हैं, वो अर्पण करते हुए बोलता है कि भगवान, ये आखिरी रुपये मेरे पास थे, मेरे पास अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के लिए, अब 1 रुपये बचा नहीं है, कुछ भी करो आप, इस पैसे की व्यवस्था आप करो। ऐसा कह के आग बंद करता है और उनके ध्यान में मग्न है। तभी एक सेठ पीछे से आता है, वो 500 की नोट निकालता है और जमा करता है वहाँ पे दान पेटी में, और बोलता है, हे भगवान, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने अभी तक 7 फैक्ट्रियाँ खोली है, आज मैं 8वीं फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ। अब ये 8वीं फैक्ट्री पे भी आप अपना दया दृष्टि बनाए रखना। और ऐसा कह के नमन करने के लिए झुकता है, उसकी जेब में से उसका वॉलेट गिर जाता है। अब उसका ध्यान रहता नहीं है, वो बिना वॉलेट के ही निकल जाता है सेठ। इतने में जो गरीब व्यक्ति था, जिसको पैसे की सख्त जरूरत थी, वो जैसे ही आँख खोलता है तो उसके सामने एक वॉलेट नजर आता है। वो बोलता है, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, और वो पैसों से भरा वॉलेट लेके जा रहा होता है। तभी वो जो भगवान बना स्वीपर है, वो बोलना चाहता है कि रुक जाओ, लेकिन उसको भगवान की, श्री कृष्ण की याद आ रही है, उन्होंने बोला था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं, तो चुप हो जाता है। इसी के बाद एक मर्चेंट नेवी एम्प्लॉय वहाँ पे आता है। वो मर्चेंट नेवी एम्प्लॉय वहाँ पे भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आज फिर से अपनी समुद्री जर्नी शुरू कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने हर समय मुझे सुरक्षित रखा है, इस बार भी आप मेरी जान की सलामती रखिए। और ऐसा करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है, तभी पीछे से वो सेठ आता है पुलिस को लेके, और सेठ बोलता है कि मैं यही मंदिर आया था और यहाँ नमन किया, यही मेरा वॉलेट गिरा होगा, और हो ना हो ये जो मर्चेंट नेवी है मेरे बाद यही आया है, तो इसी ने मेरा वॉलेट लिया होगा। तो पुलिस उस मर्चेंट नेवी को पकड़ के ले जा रही होती है जेल में डालने के लिए। तभी वो भगवान बना बैठा स्वीपर ये सब चीज़ सहन नहीं कर पाता, वो बोल उठता है कि रुको, और जैसे ही बोलता है तो सब लोग शौक हो जाते, कह रहे भगवान बोले। वो बोलता है कि ये नहीं, दूसरा व्यक्ति है जो वॉलेट ले गया। पुलिस बोलती है, अब भगवान बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे।
तभी वो पुलिस सही व्यक्ति को जिसने वॉलेट लिया उसको पकड़ ले आती है। मर्चेंट नेवी अपने जर्नी में चला जाता है और सेठ अपने फैक्ट्री में चला जाता है। शाम होती है, श्री कृष्ण भगवान आते हैं और पूछते हैं कैसा रहा दिन। तो ये जो स्वीपर है वो बोलता है, भगवान आज तो मैंने ऐसा काम किया है जो जिंदगी में आपने नहीं किया होगा। बोले क्या किया? वो पूरी घटनाक्रम बताता है कि आज दिन भर में ऐसा सा हुआ और मैंने सही चोर को पकड़ा दिया। तो श्री कृष्ण गुस्सा होते हैं, मूर्ख, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अपने मुँह से एक शब्द नहीं निकालना था, तुमने सब गलत कर दिया। तो बोले क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? तो बोले जो व्यक्ति जिसको वॉलेट मिला था वो जेन्युइनली उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करने के लिए और अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको पैसे की सख्त जरूरत थी और ये एक मेरा तरीका था, एक जरिया था उसको वो पैसा पहुँचाने का। दूसरी ओर जो सेठ था वो केमिकल फैक्ट्री खोलता है, वो बहुत सारे इलीगल काम करता है, वो इतने पाप करता है कि उसके समुद्र रूपी पाप जो हैं उसमें से दो लोटा पाप कम करने के लिए ये मैंने रचा था। और जो पीछे से एक मर्चेंट नेवी आया था वह जिस समुद्री जर्नी के लिए जाने वाला है उस जर्नी से वो लौट के नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। तो ये भी एक तरीका था कि मैं उस मर्चेंट नेवी को भले दो दिन जेल जाना पड़ता है ठीक है, लेकिन उसकी जान तो बच जाती। तब उस व्यक्ति को, उस स्वीपर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलता है कि हाँ भगवान मुझे माफ़ करना। और इसी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा हो या बुरा हो समय बीत जाता है और हमारे साथ हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।